हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले RS 200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। देखिए, आप लोगों को पता ही है भाई कि अभी ना भाई चल रहा है बहुत ही ज़्यादा फेस्टिवल का सीज़न। एक तो नवरात्रि का सीज़न अभी चालू हो गया से, और उसके बाद आपको पता है दिवाली का समय आने वाला है। तो भैया, अभी इस साल के इसी एंड में तो सबसे ज़्यादा बाइक्स की सेलिंग होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ RS 200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में, प्लस फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है उसके बारे में भी बताऊंगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते बात करते हैं बजाज पल्सर RS 200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगेगी, खुद का घर नहीं है तो फिर रेंट एग्रीमेंट लगेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, 2-3 फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है, 2-3 चेक की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी 6 मंथ की बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी है तो वो देना पड़ेगा आपको, जैसे कि अगर आप जॉब करते हो सैलरी स्लिप है तो दे सकते हो, और अगर जॉब नहीं करते हो खुद का बिजनेस है तो आई होप कि आप ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होगे तो आप वो दे सकते हो। उसके बाद अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आधे से एक घंटे के अंदर जो है आपकी बाइक जो है आपको फाइनेंस करके दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मतलब पहले आप प्राइस जान लीजिए RS 200 का। अभी जो एक्सरूम प्राइस है लेटेस्ट वाला वो है 171,000, 171,000 रुपए के आसपास की बाइक आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, ऑन रोड प्राइस बताने से पहले क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO इंश्योरेंस चार्ज में फर्क होता है। ये बाइक हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड 2,03,000 रुपीज़, 2,03,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। बाकी आप लोगों को सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको बताओ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की DP में। आज का जो डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है मैंने, वो लिया हुआ है 53,000 रुपए हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब 2,03,000 रुपए में आप 53,000 घटा दो यानी कि माइनस कर दो तो आपका बचा हुआ अमाउंट है कितना, 1,50,000 रुपए, 1,50,000। अब आप ध्यान रखिए, जब भी आप बाइक फाइनेंस कराते हो तो आपको देना पड़ता है दोस्तों प्रोसेसिंग फी, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी से कराओ चाहे आप किसी गवर्नमेंट बैंक से कराओ। और भाई 1.5 लाख रुपए में कम से कम 10,000 के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लग जाएगा, जो अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,60,000 रुपए। अब दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी जब हमें फाइनेंस करके दे रही तो उनके पीछे उनका भी कुछ ना कुछ फायदा है, बिना फायदे के तो वो काम नहीं करेंगे। और उस बेनिफिट का नाम पता है क्या है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं किसी कंपनी को। अब दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे। जी हाँ, आपके सिविल स्कोर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी 20,000 सैलरी है तो 8-10% लग जाएगा, 40,000 सैलरी तो 8% में मिल जाएगा आपको, ऐसा मतलब रहता है, ठीक है उनका। तो यहाँ पे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जो लिया वो लिया 10%। 1,60,000 का जब आप 10% निकालोगे तो 16,000 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया एक साल का। मान लीजिए बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो तो 1,60,000 में 16,000 प्लस कर दो, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,76,000 रुपये, 1,76,000। अब 1,76,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक साल में 12 महीने होते हैं। आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी लगभग 14,666 रुपए के आसपास की, 14,666 रुपीस आपकी मंथली ईएमआई बन जाएगी, जो कि आपको पे करनी कब तक, 12 मंथ तक, 12 महीने तक। मान लीजिए बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो कि भैया एक साल में जो हमें ब्याज लग रहा है कम है वो तो ठीक है, लेकिन जो ईएमआई अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, महीना में इतना नहीं पे कर सकता, तो आप 2 साल के लिए फाइनेंस करा सकते हो। 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। एक साल का इंटरेस्ट कितना है, 16,000 रुपये, 16,000 इंटू 2 कर दो तो 32,000, 32,000 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब 32,000 को आप टोटल अमाउंट में प्लस कर दो, किसमें, 1,60,000 रुपये में, टोटल कितना हो जाएगा, 1,92,000, 1,92,000 रुपये। 1,92,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी लगभग 8,000 रुपए के आसपास की, 8,000 रुपीज़ के आसपास की, जो कि आपको पे करनी 24 महीनों तक। मान लीजिए आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, हालांकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि 3 साल के लिए फाइनेंस नहीं कराओ तो बेहतर है, क्योंकि 3 साल में जो इंटरेस्ट लग जाता है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। आपके एक साल का इंटरेस्ट कितना है, 16,000 रुपये, 16,000 इंटू 3 कर दो तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 48,000, 48,000 रुपये।
160,000 में 48,000 रुपये प्लस कर दो, टोटल अमाउंट हो जाएगा 208,000 रुपये, 208,000 डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। मंथली ईएमआई बन जाएगी 5,777 रुपीज़, 5,777 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक, 36 महीनों तक। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू RS यूनिट का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।